नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कायबुल में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे न्यूजेन कैमिकल्स के स्टॉक के बारे में। उससे पहले देख लेते हैं स्टॉक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन किस तरीके का रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक लास्ट फ्राइडे को जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 874 रुपये के आसपास। प्रीवियस क्लोज था 880 रुपये के आसपास का, ओपन हुआ 904 रुपये के आसपास, हाई लगाया 904 रुपये के आसपास का। तो जहाँ ये ओपन हुआ था वही इसका हाई था, लो लगाया 866 रुपये के आसपास का। अब देख लेते हैं इसका 52 वीक हाई कितना है, 52 वीक लो कितना है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक का 52 वीक हाई है 1028 रुपये के आसपास का, 52 वीक लो है 454 रुपए के आसपास का। अब देख लेते हैं इसमें लास्ट फ्राइडे के दिन किस तरीके की बाइंग हो रखी है। तो आप देख सकते हैं कि 48% के आसपास की डिलीवरी बेस बाइंग स्टॉक में देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बाइंग लास्ट फ्राइडे के दिन स्टॉक में हो रखी है। अब देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है, किस तरीके की इसकी मार्केट कैप है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी पिछले 27 सालों से केमिकल सेक्टर में है और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही तरीके के स्पेशलाइज केमिकल्स बनाती है। इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 2040 करोड़ के आसपास की। स्टॉक का पी है 65.1 का, बुक वैल्यू है 78 रुपीस के आसपास की, डिविडेंड यील्ड है 0.23% की, आरओसी है 17% के आसपास का, आरओई है 18% के आसपास का, और फेस वैल्यू है स्टॉक की 10 रुपए की। सो ओवरऑल ये सभी चीजें देख के लगता है कि कंपनी कहीं ना कहीं ठीक ठाक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है। आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो रही है 43% के हिसाब से। तो काफी अच्छी इसकी प्रॉफिट ग्रोथ रही है, सो काफी अच्छा ये कंपनी कर रही है। अब बात कर लेते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के नतीजे किस तरीके के रहे, किस तरीके की परफॉर्मेंस रही। तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो वहाँ पे भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। जहाँ लास्ट क्वार्टर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 16.85 करोड़ का, वहीं इस क्वार्टर रहा 18.51 करोड़ का। बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो वहाँ पे भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। बात करें अगर नेट प्रॉफिट की तो वहाँ पे भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। जहाँ लास्ट क्वार्टर नेट प्रॉफिट था 8.51 करोड़ का, वहीं इस क्वार्टर नेट प्रॉफिट रहा 9.32 करोड़ का। अब बात करें ईपीएस की तो वहाँ पे भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किस तरीके की परफॉर्मेंस है। तो आप देख सकते हैं कि सेल्स में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिलती है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो वहाँ पे भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिलती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वहाँ पे भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिलती है। जहाँ लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट था 29 करोड़ के आसपास का, वहीं इस ईयर जो नेट प्रॉफिट रहा वो रहा 31 करोड़ के आसपास का। ईपीएस की बात करें तो वहाँ पे भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिलती है। अब देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके की है, किस तरीके का रिजर्व है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास रिजर्व है 160 करोड़ के आसपास का, और जो डेट है वो है 202 करोड़ के आसपास का। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम नजर आती है कि कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा ज्यादा है। नेट कैश फ्लो देख सकते हैं वो लास्ट ईयर से थोड़ा सा बेटर हुआ है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं 64% के आसपास की होल्डिंग्स प्रमोटर्स के हाथ में है, 4% के आसपास की होल्डिंग्स FIS के हाथ में है, 14% के आसपास की होल्डिंग्स DIS के हाथ में है, और 16% के आसपास की होल्डिंग्स अदर्स के हाथ में है। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर स्टॉक पे क्या करना चाहिए। तो मेरा सजेशन होगा कि स्टॉक को डेफिनेटली यहाँ से बाय करके चलना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में जो मेरा टारगेट होगा स्टॉक के लिए वो होगा 950 रुपये का। उसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी की लगातार परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, और जिस तरीके के ऑर्गेनिक केमिकल्स ये बनाती है उसकी काफ़ी डिमांड है फार्मा सेक्टर्स में, एग्रो सेक्टर्स में। सो आगे आने वाले टाइम पे भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो 950 का जो टारगेट शॉर्ट टर्म टारगेट है वो एक बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। सो शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है 950 के टारगेट के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।